नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका पटेल और अब नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। महिला अपराधों के सिलसिले में पटना में एक बार फिर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता का कहना है कि बंदूक का डर दिखाकर आरोपी ने उसके साथ 3 दिनों तक बलात्कार किया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तफ्तीश कर रही है। राजधानी पटना के पीएमसीएच अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 3रे दिन भी लगातार जारी है। जूनियर डॉक्टरों की इस हड़ताल से अब तक 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। हड़ताल से मरीजों की हो रही मौत से जहां परिजनों में हाहाकार मचा है, वहीं 300 से ज्यादा मरीज अस्पताल से अभी तक पलायन कर चुके हैं। बेगूसराय में जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का हड़ताल आज 2रे दिन भी जारी रहा। हड़ताल के कारण सदर अस्पताल में इमरजेंसी सेवा छोड़कर सभी स्वास्थ्य सेवा बंद है। सदर अस्पताल गेट पर सैकड़ों महिला स्वास्थ्य कर्मी धरना पर बैठे हैं। सिविल सर्जन जैसे ही सदर अस्पताल गेट पहुंचे, लोगों ने सिविल सर्जन का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इन लोगों की मांग है कि 18 माह से स्वास्थ्य कर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान किया जाए। वहीं बेगूसराय में बाइक सवार ने एक साइकिल सवार युवक को ठोकर मार दी, जिससे साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया पेट्रोल पंप के पास NH-55 की है। घायल को अस्पताल लाया गया, तब तक उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद बाइक सवार फरार हो गया। नालंदा जिले के रहुई थाना इलाके के पेसौर गांव में कोइठवा नदी के नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जिससे इस इलाके में मातमी सन्नाटा पसर गया। काफी मशक्कत के बाद सभी शवों को नदी से बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही पुलिस और मेडिकल गांव पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया।